हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन है, क्योंकि आज मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे एक पार्सल भेजा है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये मेरे लिए। और आज सुबह सुबह मैं उठ के देखा और मुझे कॉल आया डिलीवरी बॉय का, और मेरे को पता चल गया था कि ये पार्सल आ चुका है, क्योंकि वो भाई से मेरी बात भी हो चुकी है। मैं आपको उनका नाम बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, और जब हम अनबॉक्स करने वाले हैं उनका सारा दिखाऊंगा, पैकेजिंग क्या है, उसके अंदर क्या है, सब आपको बताने वाला हूं। तो चलो उसे दिखाता हूं मैं कि वो पार्सल है कहां। ये देखिए, ये है इतना बड़ा पार्सल जो पहली बार मेरे नाम से आया है। पता नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैं आपका चैनल भी देखा और आपका एक शॉप है मेरे ख्याल से। आप मुझे कमेंट कर बताना कि वो सही हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए इसे एक बार खोलते हैं, किसके अंदर क्या है देख लेते हैं। अरे यार, फिर से हमें अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी एक हाथ से। ये देखिए, बहुत तगड़ा पैकेजिंग करके लाया, भेजा है भाई ने। भाई मैं आराम से खोलता हूँ, कुछ खतरनाक चीज़ होगी तो अंदर। तो मैं इसका ये सब निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर पर। भाई वो डब्बे के अंदर हमें डब्बा मिला, देख सकते हैं होंडा। लगता है हमें हेलमेट तो नहीं आया है, हम जो ज़रूर देखना पड़ेगा। बाप रे, ये तो डब्बे के अंदर डब्बा था यार, और इसमें से निकला होंडा। अब मुझे डर लग रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। बाप रे, चलो अभी से खोल के देखते हैं। डब्बा हमारा काम आएगा नहीं आएगा तो बाद में पता चलेगा। ये खुला डब्बा का एक साइड, इसे भी खोलना है। अरे भाई, चारों तरफ से पैक है, यहीं से खोल लेते हैं। ये देखिए, डब्बे पे डब्बा ही है यार, बहुत बड़ा डब्बा है। ये देख सकते हैं, मैंने पूरी धज्जी उड़ा चुकी डब्बे की, बहुत ज़्यादा। और डब्बे के अंदर एक और डब्बा है, वाह वाह वाह, मुझे को तो मज़ा आ रहा है खोलने के अंदर। अरे यार, इस पे तो डब्बे पे डब्बा ही है। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा सावधानी से पैक की गई है सब चीज़ को, देख सकते हैं। ये डब्बा है भाई, एक और डब्बा मुझे खोलना पड़ेगा। मैं तीन डब्बा है ये, अब इसको भी खोलते हैं। भाई इसमें कुछ खतरनाक सी मुझे मछली लग रही है। ओ भाई साहब, अरे भाई, ओह सॉरी, मैं इसे आराम से खोलता हूँ, मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मुझे इस डब्बे के अंदर एक बहुत ज़्यादा सही पैकेजिंग मिली है। और देख सकते हैं, ये पेपर ही पेपर है इसमें पूरा, और बीच में मुझे तो पूरा यकीन है और मछली है, और इसके साथ एक पेपर भी है। ये पेपर को पहले देखते हैं क्या। ओ भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने भाई, आप तो कमाल हो भाई। देख सकते हैं भाई ने क्या लिखा है मेरे बारे में, वाह वाह वाह, आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें। देख सकते हैं, भाई का नाम आदित्य है और ये है उनके चैनल का नाम, देख सकते हैं A2Z एक्वास्टार। भाई आपने क्या लिखा है, आप तो मेरे नज़र पे स्टार ही हो। वाह वाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे मैं फ्रेम करके रखूँगा अब पहली बार, देख सकते हैं। आदित्य भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। A2Z एक्वास्टार्स, जाके सब्सक्राइब करो इस भाई के चैनल को, देखो भाई। चलो भाई अब इसे खोलते हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा गहरी पैकेजिंग है भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसे आती हैं मछलियाँ, मुझे तो लगता था कि बहुत सिंपल से आती होंगी, लेकिन भाई ने मुझे दिखा दिया कि भाई ऐसे नहीं आती मछलियाँ। ओ भाई साहब, अंदर तो पक्का मछली है भाई, लग रहा है मेरे को तो पूरी की पूरी मछली। अब इसे प्यार से खोलते हैं, पहले टेप निकालते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मछली को हर्ट हो, तो मैं जल्दी से इसे खोलता हूँ अब। भाई साहब, हमारे पास एक बहुत सुंदर मछली आ चुकी है। बाप रे, किसी दोस्त ने मुझे भेजा है। वाह वाह, रेड कलर की बेटा फिश है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है यार ये तो। और इसके टेल तो हमारे रायपुर में तो ऐसे नहीं मिलते, ऐसा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये लग रही है। वाह भाई, आपने क्या पैकेजिंग करी कि दिखाई मुझे, पहली बार मैंने देखा कोई मछली ऐसी आती है। और बाप रे, और आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये लेटर जो आपने लिखा है ना मेरे लिए, वाह वाह भाई, मैं इसको सही बता रहा हूँ, फ्रेम करके रखने वाला हूँ, आप लोग देखिए, मज़ा आ जाएगा। वाह, तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं, अब देखते हैं और हमें कौन से टैंक में से रखना है, ये भी सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क है। तो अभी चलिए इसे करते हैं शुरू,
खोलते हैं ऊपर से ढक्कन और इसको पहले नॉर्मल पानी में रखते हैं, उसके बाद जो होगा देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं रख दिया हूँ पानी पे, और ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाए अच्छी तरीके से और इसे कोई भी दिक्कत ना हो टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है तो। और बहुत देर ट्रांसपोर्ट हो गया है ये मछलियाँ, मछली है एक ही है, सिर्फ बेटा फिश है, बहुत सुंदर दिख रही है, उसके पीछे व्हाइट कलर का टेल भी है भाई, मैं तो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसे बस छोड़ना है आधे घंटे के लिए, और दूर से आइए तो हम आधे घंटे छोड़ेंगे इसे ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। उसके बाद खोलते हैं इसे और फिर देखेंगे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। बाप रे, लेकिन भाई ने डब्बे डब्बे कर दिए, इसे हम अपने दिल के करीब रखेंगे, बहुत ज़्यादा करीब। तो आधे घंटे पूरे हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसे खोलने की, और मैं इसको देखना चाहता हूँ मछली को पूरे अपने हाथ में लेके। तो चलिए जल्दी जल्दी खोलते हैं, और इसको खोलने के लिए हमें दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, ये देखिए, वाह वाह भाई, बहुत सही मछली है, बहुत ज़्यादा सही मछली है। लेकिन इसको निकालने से पहले हमें हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हथियार ले आते हैं पहले। ये रहा हमारा हथियार, छोटा सा है और छोटा ही वाला इस्तेमाल होगा इसमें, देख सकते हैं। तो चलो इसके अंदर अब डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वो ब्यूटीफुल बेटा फिश, जिस सकते हैं वाइट कलर का इसका टेल है भाई, बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी की है और हेल्दी, देख सकते हैं इतने दूर से आने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, देख सकते हैं। और इसके जो टेल है देख सकते हैं आप, वाह वाह, मेरे को शायद ये कौन सा लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा वाला बेटा फिश है, कौन सा वेराइटी की बेटा फिश है, कि मुझे बेटा फिश का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है और पता नहीं कौन सा है ये, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। और भाई आदित्य भाई, आप भी मुझे बता देना कंफर्म एक बार कि ये कौन सा है, तो मुझे, ताकि एकदम परफेक्ट रहूँ मैं। इसे रखते हैं थोड़ा सा दूर ताकि पानी ना गिर जाए, डब्बे के अंदर रख देते हैं, गिर मत जाए। ये देखो रख दिया, और दिखाता हूँ आपको बेटा फिश भाई, वाह 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 भाई, दिल खुश कर दिया आदित्य भाई आपने, मज़ा आ गया मुझे। ये देखो बहुत सही है भाई, बहुत सही, एकदम छोटी सी है लेकिन बढ़िया बढ़िया सी है, मज़ा आ गया मुझे तो देख के, वाह 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 भाई। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो, और जब हम इसे टैंक में डालेंगे तो उसके बाद क्या दिखने वाली है, मज़ा आ जाएगा। और हमारी दो बेटा फिश की मौत हो चुकी है आप जैसे को पता ही है, लेकिन थैंक्स भाई भेजने के लिए, और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पालेंगे। लेकिन मैं उससे पहले इसे हाथ में लेके देखना चाहता हूँ कि कैसी है ये, वाह देखते हैं हाथ में आती कि नहीं। बाप रे, अरे भाई ये तो उछल कूद कर रही है बहुत तेज, आजा भाई एक बार छूने दे दे। ये देखो ये हाथ में आ गई, अरे गिर गई भाई, रहन देते हैं भाई, बहुत दूर से आई है, बहुत मेहनत का है ये, तो इसे चलिए ऊपर लेके चलते हैं और फिर देखते हैं। तो चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं हमारे ऊपर वाले रूम में, जहाँ और भी सारी मछलियाँ हैं, और देख सकते हैं डब्बे ही डब्बे हो चुके हैं पूरे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ऊपर ले आया है अपनी नई वाली बेटा फिश को, जो मुझे आदित्य भाई ने भेजा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है यार, मज़ा आ गया मुझे देख के। और मैं सोच रहा था कि मैं पहले इसे इस टैंक में डाल दूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं किसी भाई ने मुझे इतने बढ़िया तरीके से भेजा है और मैं बिल्कुल नहीं डालने वाला ऐसा कोई मछली को अपने बाउल में, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके लिए बहुत बढ़िया सा छोटा सा एक टैंक ले आऊँ, जो सिर्फ और सिर्फ बेटा फिश के लिए हो। देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये वाला टैंक, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यार, मज़ा आ गया ये टैंक सेटअप करके। ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट साइड में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ओशियन वाला लुक आ रहा है। तो मैं भी वही सोच रहा था कि हम इसके लिए एक छोटा सा टैंक लाएंगे जो ज़्यादा बड़ा ना हो, और मोल्डेड टैंक लाएंगे। तो यहाँ पे उसे रखेंगे, देख सकते हैं, और इसे हटा देंगे क्योंकि इस टैंक में बेटा फिश रखेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो देख सकते हैं ये है मछली, बहुत हेल्दी है यार। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी फ़िश टैंक लेने जा तो नहीं सकता, तो इसलिए मैं आज इसे इस यहीं पर रखने वाला हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, बज रहे होंगे शायद 8, इसलिए क्योंकि डिलीवरी थोड़ी लेट आई, लेट क्या 5 बजे आई, तो अभी वीडियो बना रहा था मैं, तो कल जाके मैं लाऊंगा टैंक और फिर इसे सेटअप करूंगा। और थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये गिफ्ट आपका, और बेटा फिश बहुत ज़्यादा कमाल है, और मैं इसको आपको पूरा अच्छे से नए टैंक में दिखाऊंगा सेटअप करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ दोस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे,
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे अपनी बेटा फिश के साथ उसे लगते हुए, और हमें अपना एक्वेरियम भी लाना है तो दोनों एक साथ ले आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मज़ेदार फिश के साथ।